तो आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड कन्विंस्ड हो जाएगा, अदरवाइज कन्विंस नहीं होगा। आप हर बार 15 दिन के बाद मैं सही कर रहा हूँ, कुछ फायदा होगा क्या? ठीक है उसने बोल दिया कर तो ना, फायदा होगा मतलब वो डाउट के साथ कर रहे, कन्विंस नहीं हुए। कभी वो सबकॉन्शियस में जाता नहीं जाता ना। अभी देखो ब्लड प्रेशर हुआ आप, तुम आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला आपको 220 ब्लड प्रेशर है, आपके ये डेपिन मेडिसिन खानी है, 10 mg खानी है, आपने 10 mg खा ली, 3 दिन बाद गए आपका ब्लड प्रेशर 120 हो गया। अब आपको डॉक्टर ने बोला आप लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, आप बोले भी खाऊंगा, मुझे नॉर्मल हुआ तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। अब लाइफ लॉन्ग आप डाउट नहीं करते क्योंकि आपको एक बार प्रूफ करके बता दिया कि 220 का 120 हो गया, समझ में कि नहीं। लेकिन दूसरे लोग क्या होता है, बिकॉज दे आर इंट्यूटिव, दे आर गॉड ब्लेस्ड सोल, वो कहते हैं भाई तुम्हें क्यों प्रूव करके बताऊँ, फॉलो मी। आगे का जनरेशन फॉलो नहीं करेगा, आपके और मेरे जैसे ने शायद फॉलो कर लिया है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा होता है। तो ये क्या है, कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये जनरेशन। सबकॉन्शियस तो बाद में फॉलो करेगा, पहले तो आप अपने मन को तो मना लो कि भाई ये सत्य है, समझ में नहीं। अभी आप जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करते कि वो लोग पूछते ज़्यादा हैं और बताते कम है, तो आप देखो डॉक्टर भी तो आजकल ऐसे ही करते हैं। पहले के डॉक्टर तो नाड़ी देख के बीमारियां बता देते थे, अब तो बोलते हैं ब्लड कराओ, एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, सीटी स्कैन कराओ, MRI कराओ, दुनिया भर के रिपोर्ट्स रखने के बाद भी सिम्टम्स पूछते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं शायद आपको ये बीमारी है, वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स नहीं रहे हैं अभी कोई भी सिस्टम के, हार्डली 1 या 2% रहे एक्सपर्ट, बाकी सब लोग को क्या है कि आपके बेस पे वो उनका डायग्नोसिस होता है, उनका इंस्टीट्यूट डायग्नोसिस नहीं होता है, उनकी खुद की साधना भी नहीं होती है, खुद का अभ्यास भी नहीं होता है, राइट। सो ये चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है ना कि हमें गॉड सारे लोगों से डिटैच करवा के ना अपना सेल्फ इंट्यूटिव पावर बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है, कि आप जितने धोखे खाते हो अल्टीमेटली आप अपने पे ही आते हो। मान लो इन्होंने मुझे धोखा दे दिया तो मैं बोलूँगी यार इससे तो मैं अकेला बैठा अच्छा था, क्यों मैं इनके पास गया, इन्होंने धोखा दिया, मैं कहूँ यार क्यों इनके पास गया, अकेला बैठा अच्छा था। अल्टीमेटली गॉड वॉन्ट्स अस टू बी सेल्फ सेंटर्ड, समझ में आ रहा कि नहीं, कि आपको लगता है यार ये डॉक्टर ने भी गलती की, इसने भी गलत डायग्नोसिस किया, ये बंदे ने इतना वास्तु के इतने पैसे ले लिए और मुझे तो फायदा नहीं हुआ, तो आप अपनी साधना बढ़ाओगे, बिकॉज नाउ यू आर चीटेड, है ना। तो कहीं ना कहीं पहले के जो ऋषि मुनि थे वो लोग अपनी साधना से ही आगे बढ़ते थे। आप महावीर की देखो या बुद्धा की देखो या जीसस की देखो या कृष्ण की देखो, किसी भी ग्रंथों में उनके गुरुओं के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, बिकॉज दे वर सेल्फ सेंटर्ड। हमें डिपेंड रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए हम कहीं ना कहीं अटक गए हैं अपनी लाइफ में, समझ में नहीं। लेकिन अभी आजकल ये टीवी पे इतने बाबाओं के बारे में इतना बोला जाता है, तो अभी लोग क्या कहते हैं यार क्यों बाबाओं के पास जाना, इसे तो अपने घर पे बैठो यार, जो जितना होता है भक्ति भाव करो, जितना ध्यान साधना होती है करो, क्यों जाना, क्या पता हमारा गुरु भी कभी ऐसा निकले। तो इस माने देखो नेचर हमें डिटैच करवाती है कि नहीं, टेल मी, यू गॉट माय पॉइंट। तो आपका एक्सपीरियंस जितना नेगेटिव होगा समझ लो उतनी आपकी पॉजिटिव स्पिरिचुअल जर्नी होगी, ये पोलैरिटी वाली बात है, समझ में। अगर आपका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा तो आपका एक अटैचमेंट रहेगा उससे, तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है लाइफ में कि जितना हो सके सेल्फ एनालिटिक रहो। हम लोग एनालिसिस दूसरों के लिए करते हैं कि ये अच्छा है बुरा है, इसका नेचर कैसा है, हम उनके लिए एनालिसिस ज्यादा करते हैं, और दूसरों के लिए एनालिसिस ज्यादा करते हैं तो दूसरों के लिए जजमेंटल भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन ये नेचर कहता है कि बी सेल्फ एनालिटिक, बी सेल्फ जजमेंटल, अपने बारे में करो कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या आज आप जो भी प्रोफेशन में हो क्या आप 100% दे रहे हो, अगर आप 100% नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब कि दुनिया में अगर कोई भी 100% नहीं देता, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी है या कोई स्पिरिचुअल पर्सन है या डॉक्टर है, तो इट्स नथिंग रॉन्ग, इट्स नथिंग रॉन्ग, समझ में ना। आज हम तिरुपति जाते हैं वहाँ देखते हैं 500 के नोट दो आपको दर्शन करवाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं पैसा दो दर्शन, तो हमारा धीरे धीरे मन उठ जाता है,
बोलता है इतने खर्च करके गए, पैसे भी ले लिए, ऊपर से सिर्फ 5 सेकंड का दर्शन करने, खड़े भी नहीं रहने दिया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो देखो गॉड कैसे ये डिजाइन कर रहा है, हमें डिटैच करवा रहा है मंदिरों से, गुरुओं से, ये सारी साधना और दूसरों की साधनाओं से डिटैच करवा रहा है हमें। बिकॉज आपको अभी भीड़ अच्छी नहीं लगती है, नहीं लगती है ना भीड़, तो नहीं अच्छी लगती है इसका मतलब कि अभी आपकी सेल्फ जर्नी स्टार्ट हो गई, अभी आपकी मैच्योर सोल लेवल पे आप आ गए हो। पहले आप कैसे थे, यंग सोल लेवल पे बस एंटरटेनमेंट, मौज, ये वो, भीड़, डोमिनेशन, ये सब चीज़ें थी, ग्लैमरस लाइफ, प्लेजर लाइफ, ये सब थी। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये सब बेकार की बात है यार, ये चीज़ मुझे सुख देता है 2 मिनट के लिए, कहीं से किसने आइसक्रीम भी ला के दी तो एक पहला बाइट लिया उसमें कुछ टेस्ट आया, उसके बाद में तो पता ही नहीं चला मैंने कितनी आइसक्रीम खा ली। तो धीरे धीरे आप लोगों का एक डिटैचमेंट हो रहा है एंड दिस इज वेरी बेस्ट। ये कलयुग में जितने लोग धोखे खाते हैं, जितने भी बुराइयां होती है, समझ लो ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। ये लोग उस एंगल से कभी देखते नहीं, बोलते ये टाइम बहुत खराब है, ये जमाना खराब है, लोग बहुत बुरे हैं। बुरे नहीं है, बुरा हमारा एक्सपेक्टेशन था, बुरा हमारा अटैचमेंट था। ठीक है, ये मतलब एक नेगेटिव कर्मा के लिए अटैच हो रहे थे। Exactly. जिससे कि हमको धोखा मिला, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा ऑरा रिसर्च क्या कहता है कि आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में जो भी आपका अनहील पार्ट है, जो आपने अभी तक स्वीकारा नहीं है या आपका अधूरा ज्ञान है, उसके चक्कर में आप संसार में भटकते हो और आपको सिखाने के लिए कोई आता है, और जब कोई सिखाता है तो आप उसको बुरा बोलते हो, देख साला इसने मुझे सबक सिखा के गया। वो सिखाया क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी आपके अंदर थी। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। फिर वो पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे अंदर जो डेटाबेस है उसका ही स्क्रीन पे उसके आइकॉन्स आएंगे, मेरे हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है उसका ही तो आइकॉन बाहर आएगा। अब मैं आइकॉन को डिलीट करूंगा स्क्रीन के डेस्कटॉप पे, लेकिन अंदर तो डेटा ऐसे ही रहेगा। कल वापस कोई जाके क्लिक करेगा, वापस वो स्क्रीन पे आ जाएगा। हम बोले यार एक आदमी ने धोखा दे दिया, अब दूसरा आके भी वही धोखा दे रहा है मुझे, क्योंकि आपने पहले इंसान का वो धोखा स्वीकारा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली फैक्टर है। लेकिन क्या है, हमें जो भी गुरु मिलते हैं ना, वो धार्मिक ग्रंथों से बड़े बड़े लोगों के एग्जांपल्स देते हैं, राम के, कृष्ण के, जीसस के, या ऐसे महावीर के, ऐसे एग्जांपल्स देते हैं गुरु नानक के। हम आम इंसान हैं, तो हमें क्या लगता है वो तो कोई ऊंचे थे भाई, हम कहाँ वहाँ पे। लेकिन वो भी कहीं हमसे ही गुजर के वहाँ पहुँचे ना, तो कल हम भी यहीं से गुजर के वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इट्स नथिंग रॉन्ग। सबसे पहली बात दो चीज मैं कहता हूँ, एक तो अपने आप को कभी अलग मत समझो उनसे, और कभी उनको इतना ऊंचा मत समझो कि हम सोचे कि हम कहां पहुंचेंगे वहां पे। इतना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी नहीं आना चाहिए। अगर आपके डीएनए में आपके पेरेंट्स की जीन्स है, तो आपके सोल की डीएनए में भी परमात्मा की जीन्स है। तो ये तो बर्थ लॉजिक है, am I right? आपके पेरेंट्स ने सोल को तो बर्थ नहीं दिया, बॉडी को ही दिया है, राइट? तो परमात्मा की ही जीन्स तो हमारे अंदर है, सिर्फ हम अपनी बॉडी की जीन्स या पैरेंटल जीन्स की बिलीफ में अटके हैं, और परमात्मा की बिलीफ से अभी तक जुड़े नहीं हैं। बस इतना हमारा डिफरेंस है। जो लोग उससे जुड़ जाते हैं ना, फिर उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती लाइफ में, फिर उनके लिए पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है, पूरा एक अबंडेंस वाली फीलिंग आ जाती है। फिर ये मेरा भाई, ये मेरी पत्नी, ये बच्चे, ये इतने सीमित हम नहीं रह जाते, नाउ वी आर एक्सपांडेबल पर्सन। तो आप कोई भी मेडिटेशन करो, कोई भी हीलिंग करो, ये एक एक कदम, एक एक नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियों खोलते 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 आपको अल्टीमेटली उस निर्वाणा के स्टेज पे पहुँचाने ही वाला है, आप चाहें या ना चाहो, बिकॉज आपके GPS में वो डेस्टिनी डाली गई है। अभी आप यहाँ पे आए हो, कोई कार में आया, कोई ऑटो में आया, कैसे भी आया, यहाँ से जाने के बाद आप जाओगे कहाँ पे, कहाँ जाओगे आप? घर ही जाएंगे, तो सोल भी तो वापस घर जाएगी, उसके GPS में वो एड्रेस डाला हुआ ही है परमात्मा का। अब कितने भी खेल खेल लो, अच्छे करो, बुरे करो, जो भी कर्म करना है कर लो, अल्टीमेटली वो एक टाइम तो आपको परमानेंटली छोड़ ही देने वाला है, ये लाइफ में छोड़ेंगे या और कोई लाइफ में, 101% छोड़ने वाला है। नाउ इट्स योर चॉइस,
कि एक लाइफ में आप कितनी लाइफ जी के उसको क्लियर करते हो, या एक एक लाइफ में दो तीन लेसन करके क्लियर करते हो, इट्स योर चॉइस। जैसे मैंने अपनी 111 लाइफ देखी, मतलब मैं एक लाइफ में 111 लाइफ जी रहा हूँ। मुझे अपने 111 लाइफ के पेरेंट्स पता है, मुझे लोगों के साथ रिलेशनशिप पता है, मुझे वो जगह पता है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जो मेरा घर था, हर चीज मुझे पता है। लेकिन कितना चैलेंज है मेरे लिए, कितना चैलेंज है। तो इट्स योर चॉइस। जैसे गुरु नानक थे, वो एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ जी ली, तो वो बहुत जल्दी बाहर निकल गए, या फिर सोल से सीधा वो इन्फाइनाइट सोल पे पहुंच गए। तो हमारी चॉइस होती है। इट्स अवर चॉइस। कैसा है, अभी आपके सब जो बच्चे हैं वो एक स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो चाहे तो दो ट्यूशन भी करा सकते हैं, ड्राइंग भी करा जाते हैं, डांसिंग में भी जाते हैं। चॉइस है कि मल्टी डायमेंशनल। उनको निर्वाण मोक्ष मिल गया। तो मेनी लाइफ का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट स्टक विद वन सेट ऑफ द पीपल, यू आर नॉट स्टक विद वन फैमिली, यू आर ओपन to everyone. You serve everyone. The humanity. जैसे मैंने अपनी मेडिकल डॉक्टरी प्रैक्टिस छोड़ के मैं स्पिरिचुअल सर्विस में आ गया। मैंने 8,500 टॉक्स दिए पिछले 23 साल में। यूट्यूब पे मैंने 600 टॉक्स डाल दिए, या मैं फेसबुक पे लाइव टॉक डालता हूँ, 2,000 लोग देखते हैं। आई एम सर्विंग द पीपल, आई एम नॉट अर्निंग द मनी। इफ आई हैड टू अर्न, मेरी मेडिकल प्रैक्टिस इनफ थी, आई कुड हैव बिकम अ मल्टी मिलियनर पर्सन। लेकिन मैं बहुत जल्दी ये अपनी 21 साल पहले मैंने जो अपनी साधना की उसमें मैंने अपनी पास्ट लाइफ देख ली। मैंने कहा मेरी तो स्पिरिचुअल जर्नी होनी चाहिए, मैं कहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ। आई लेफ्ट माई प्रैक्टिस एंड आई केम इन टू दिस प्रैक्टिस। तो मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप संसार छोड़ो, फैमिली छोड़ो। मैं कहता हूँ आप भले एक फैमिली में हो, लेकिन आप सभी फैमिली के लिए, सभी पूरे वर्ल्ड के लिए यू बी ओपन सोल, यू बी वेरी कंपैशनेट, यू बी लविंग टू एवरी वन। ये नहीं भाई मैं नेबर को क्यों हेल्प करूं, उसको क्यों हेल्प करूं, मेरा क्या। आपका कुछ कर्म है तभी वो आपके सामने आया है, नहीं तो वो सिनेरियो, वो सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आता ही नहीं। Am I right? आता ही नहीं ना, कुछ तो है लेकिन ये हमें नहीं पता। ये समय समय की जैसे रील, जैसे फिल्म की चलती है ना, तो कैसे आगे आगे मूवी चलते रहती है। हमारी भी है ना कार्मिक चक्र की रील चल रही है, तभी हम ऐसे बार बार अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। Now it's our choice कि भाई मिलने के बाद हमें वो कार्मिक कंप्लीट करना है कि यहीं छोड़ देना है, ये तो हमारी चॉइस होगी। समझ में। मैं अभी ब्रह्म कुमारी में जाता हूँ तो वहाँ अलग सेवा करता हूँ, क्रिया योग में जाता हूँ तो वहाँ अलग सेवा करता हूँ, YSS में जाता हूँ तो, ओशो के आश्रम में पूना में जाता हूँ वहाँ अलग सेवा करता हूँ। जहाँ पे भी मुझे जो भी सेवा का मौका मिले मैं कर लेता हूँ। दिस इज द ब्यूटीफुल लाइफ, कि इन वन लाइफ यू कैन लिव मेनी लाइफ। आपके जितने भी चक्रस हैं, चक्रस में आपकी रील्स है, प्रेजेंट लाइफ की रील्स है, पैरेंटल रील्स है, आपकी पास्ट लाइफ की रील्स है। अब वो समय समय पे वो रील खुलती है क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स चेंज होते हैं और वो प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी के वजह से चक्रों की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो कभी अच्छी फाइलें खुलती है, कभी बुरी फाइलें खुलती है, कभी लॉटरी लगती है, कभी तो हम नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कभी तो फाइनेंशियली क्राइसिस क्रिएट होता है। तो हम ऐसे सिचुएशन में ब्लेम करते हैं, कुछ तो काला जादू किया है, मैंने देखा था एक दिन लिंबू मेरे घर के बाहर था, या कोई तो बिल्ली मेरे आगे चली गई, या मतलब हम ब्लेम करते, ये नहीं सोचते ये हमारी कार्मिक चीजें खुली है उसके वजह से ऐसे हुआ है। बट इट कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर रेगुलरली मेडिटेटिंग। अगर आप साइलेंटली अपने अंदर जाओगे तो आपको अपने जो भी अनहील पार्ट है वो दिखेगा, लेकिन आप अंदर ही नहीं जा रहे हो इसलिए आपको दुनिया बुरी दिख रही है। अंदर कैसे आप मेडिटेशन से, आप सिर्फ ब्रेथ के ऊपर ध्यान दो। सी रियल मेडिटेशन इज जस्ट टू ब्रीथिंग, कि भाई आपने इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे सिर्फ ध्यान दिया, दिस इज एक्चुअल रियल मेडिटेशन, जो अनापनासति जो हम विपश्यना बोलते हैं। बाकी सब तो क्या एक्टिव मेडिटेशन है, भाई ये करना, मंत्र चैंट करना, गायत्री मंत्र बोलना, ये करना, नवकार मंत्र बोलना, ये सारी चीज़ें कहीं बिजी रखती है हमें। रियल मेडिटेशन इज नॉट टू बी बिजी इन समथिंग, यू हैव टू बी जस्ट बी अवेयर अबाउट योर ब्रेथ, दैट इज रियल मेडिटेशन, है ना। तो जब आप ये करते हो तो सांस जब अंदर जाती है और आप अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हो, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे गया,
यहाँ पास्ट लाइफ का राइट साइड ऑफ द ब्रेन में कुछ इमोशंस है, कुछ फियर है, मुझे समझ में आएगा यार मुझे तो कॉकरोच का फियर है और वो कोई लाइफ से है, देन आई विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग इन टू पॉजिटिविटी, तो ये फियर मेरा निकल गया। फिर मैं अपने ब्रेथ पे ध्यान दूंगा, मुझे समझ में आएगा यार मैं ओवर लॉजिकल हूँ, हर चीज़ में दिमाग लगाता हूँ, हर चीज़ में डाउट करता हूँ, मैं अपने उसको पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, वो मेरा पार्ट ठीक हो गया। तो 72 एरियाज है आपके ब्रेन में, हर एक एरिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है आपका, दबा हुआ है, कोई इमोशन सप्रेस्ड है, कोई आपकी इच्छाएं, कोई डिजायर्स, कोई गोल्स सप्रेस्ड है आपके। तो स्पिरिचुअलिटी कहता है सप्रेस मत करो, उसको एक्सपीरियंस करो, रिलीजियस कहता है त्याग दो, ये डिफरेंस आया यहाँ पे। हमारे गुरु क्या कहते हैं, जैसे आई बिलोंग टू जैन फैमिली, हमें ये बताया जाता है कि देखो महावीर ने सब त्याग दिया, आपको भी त्याग देना, लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस लेना है वो बगैर एक्सपीरियंस लिए मैं त्याग कैसे दूँ, मुझे कल अंदर से कभी तो इच्छा होने ही वाली है उसकी एक्सपीरियंस करने की, मे बी वो अल्कोहल होगा, मे बी वो स्मोकिंग होगी, मे बी शादी होगी, मे बी बच्चे होंगे, मे बी लग्जरी कार होगी, या कुछ तो मेरा एक अनहील पार्ट है, बिकॉज आप अधूरा मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर ऑन द अर्थ, यू आर कम टू लर्न समथिंग। आप बोलोगे मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ, मुझे तो सुसाइड करना है, कर लो सुसाइड, कौन मना करता है, लेकिन वापस आओगे आप, या तो सोल भटकेगी, किसी की बॉडी ढूंढती रहेगी, और या तो वापस रिबर्थ लेगी। हमने 3500 लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, लाइफ बिटवीन लाइफ देखा है हमने, हमने रूम रिग्रेशन किया, तो बहुत रिसर्च किया है, हमने समझ में आया है कि सोल ऐसी ही बीच मैदान में नहीं भाग सकती, उसको कहीं ना कहीं वापस वहीं से शुरू करनी पड़ती है जहाँ उसने छोड़ा है। यू डाई विथ कैंसर, यू आर बॉर्न विथ अ कैंसर, यू डाई विथ डायबिटीज, यू आर बॉर्न विथ अ जुवेनाइल डायबिटीज, यू डाई विथ अस्थमा, यू आर बॉर्न विथ अ अस्थमा, आपको बचपन से वेंटिलेटर पर रखा जाता है, आपने देखा है कि so is that possible that we can just erase that 101%, that's what I'm telling you, see God has never given a birth for punishment, he has given a birth to learn, but we are not learning, we are punishing it ourselves. हमें लगता है यार पूरी दुनिया यार मुझे दुखी कर रही है, अरे दुनिया बेचारी खुद दुखी है, तुम्हें क्या दुखी करेगी, but negative forces are there for sure. 98% is negative force, only 2% is a positive force, only 2%. Now you have to connect to that 2%. Maybe that Mahavatar Babaji, maybe Avadhut Baba, maybe Osho, anyone. You have to get connect to those masters, those angels, and you have to be positive. Now it's your choice. To whom you are getting connected? You are connected with collective unconsciousness people, those who are negative, or you are connecting with only 2% of the people, those who are astrally present, not physically present, but they are very positive. और हमारे इंडिया में तो कितना अच्छा है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, you can get connected to anyone, कितना variety है, abroad में तो बेचारे जीसस अकेले घूम रहे हैं, पूरा लोड उनके ऊपर है। नहीं, जैसे आपने बोला कैंसर से अगर we die with cancer, हाँ, तो अगली बारी कैंसर लेके पैदा होंगे तो how to There are many ways. You can learn Hoponopo, you can learn EFT, you can get your past life regression done, you can get... 100%. जो चीज छोड़ी है आप वही से शुरू करोगे ना। अभी ये मेरी किताब है, मैंने इसको पढ़ा, 10 पेज में फोल्ड करके रखता हूँ, फिर मैं 10वें पेज से ही मेरी भगवान जी को पढ़ी क्या थी, इसलिए तो फिजिकल हमारी बीमारियां हैं। हाँ, फिजिकल की बात कर, सोल तो दोबारा से नया शरीर लेगी तो वो फिजिकल बीमारियां क्यों जुड़ी गई। अब मैं अभी एक सिंपल समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल कि सपोज ये मेरा मोबाइल है, क्यों कितना तपेंगे यार, इतनी सोल्स बनाया जा रही, इतनी पॉपुलेशन हो रही, आई जस्ट वांट टू इंक्वायर कि भगवान जी को क्या सोचा। वो एक वीडियो है, मेरे भी ये क्वेश्चन ना बहुत स्टार्टिंग में आया था जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो मिली, मैं शायद आपको फॉरवर्ड करूंगा, या आप ये यूट्यूब पे देखना, 5 मिनट्स विद गॉड, अब ध्यान देना 5 मिनट्स विद गॉड। तो उसमें एक बंदा मर जाता है और मरने के बाद गॉड को मिलता है और गॉड को ये क्वेश्चन करता है तुम्हें जरूरत क्या थी दुनिया बनाने की, इतने लोग, तो वो गॉड ने भी अपनी एक्सेप्ट की, उनकी गलती एक्सेप्ट की कि विद लो कॉन्शियसनेस आई शुडंट हैव गिवन बर्थ टू एनीवन, With low consciousness. हाँ, जैसे अभी ये प्रोडक्ट है ना, ये एप्पल का सपोज प्रोडक्ट है, ये 50,000 का है, बट जब ये फिट है तो मैं इसको खरीदता हूँ, अनफिट है तो मैं खरीदूंगा नहीं,
इसमें डिफेक्ट है तो मैं खरीदूंगा नहीं। एक ह्यूमन बींग ही ऐसा है जो अनफिटली बॉर्न होता है और हम कुछ नहीं कर सकते। You got my mind? So this is very important. तो गॉड ने क्या बोला, आई थॉट गिविंग अ फ्री विल टू अ पर्सन ही विल लिव अ गुड लाइफ बट आई वॉज नॉट नोइंग दैट पीपल आर नॉट they are not going to they will not be able to use their free will they are not able to use the free will jaise aap apne bachcho ko kabhi samjho 10000 rupaye de doge unko ek free will ya tu kar ho sakta hai daru bhi piye ho sakta hai ja ke kahi kya kare mandir mein puja kare is free will to aapko kya lagta hai yaar kyun maine bachche ko 10000 diye usko to pata bhi nahi use kaise karna to hamara sabka aisa ho gaya we are orphan without a physical god yes so sabse important baat kya hai ke hamari jo chetna hai consciousness hai वो एक लेवल पे आने के बाद हम गलतियां नहीं करते, ये चीज ध्यान में रखना। एक लेवल पे अब वो चेतना ऊपर कब आएगी, जब पहले हमारी अवेयरनेस आएगी, व्हेन वी आर वेरी अवेयर, हम हर चीज के लिए जागरूक, यार मैं क्यों दारू पीऊं, अब इससे मेरा लिवर खराब होगा, मेरा सिरोसिस ऑफ लिवर होगा, मुझे तकलीफ होगी, दवाई खानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आई एम अवेयर, आई शुडंट टेक इट, मैं ये क्यों इतना फैटी फूड खाऊं, मेरा वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मुझे फिर इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इतना कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, मैं क्यों खाऊं, सी दिस इज अवेयरनेस। लेकिन ये अवेयरनेस ही नहीं है हमारे अंदर, बिकॉज वी आर इन्वॉल्व विद अवर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, हम अपनी इच्छाओं में इतना डूब चुके हैं कि अगर सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ भी रहता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ और ऐसे फोटो भी कैंसर के लगाए गए हैं, ठीक है ना, वही पैकेट से खोल के हम सिगरेट पीते हैं, राइट या नॉट, वही पैकेट से, ऐसा नहीं कि कोई कोई अच्छा कोई फोटो लगा के हम उस पैकेट को खोलते, मतलब अवेयरनेस कितनी गिरी हुई है हमारी, विल पावर भी नहीं है, राइट। तो ये होता है कि गॉड ने हमें बनाया ये सोच के, जैसे आप बच्चे को बर्थ दिए ये सोच के कि कुछ एज के बाद तो बच्चा अच्छा ही करने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि कब आपका बच्चा भटक गया, कब गलत दोस्तों के संगत में लग गया, सो मुझे ये लग रहा है कि आज का दौर बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत सारे YouTube की फैसिलिटीज है, बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पे हम अच्छे अच्छे वीडियो देख के नॉलेज ले सकते हैं, राइट, ओनली यू हैव टू बी प्रैक्टिकल विद दैट। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, हमें कहीं कहीं आश्रम में जाके बाबा जी के सामने बैठ के फिर पूछना पड़ता था, भाई बाबा जी कुछ ज्ञान दो। अब तो अच्छा है, आप ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कहीं पे भी हो, आपने यूट्यूब ओपन कर ली, आपने अच्छी अच्छी वीडियो देखी, अच्छी अच्छी नॉलेज देख ली, यू गॉट माय पॉइंट, कितना अच्छा है। नाउ ओनली योर सरेंडर इज इम्पॉर्टेंट, कि अभी आप उस सिस्टम में आगे जाते हो, आपको नॉलेज इनफ नहीं है, नॉलेज से एनर्जी बढ़ती है, आपका टारगेट एनर्जी बढ़ाना नहीं है, आपका टारगेट कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ाना है, और वो प्रैक्टिकल होने के बाद होगा, अदरवाइज तो पूरी दुनिया नॉलेज ले सकती है। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी हम देखते हैं, ज्ञान तो सबको है, किसी को वेद का ज्ञान है, किसी को कुरान का ज्ञान है, किसी को बाइबल का ज्ञान है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान आने के बाद आपने उसको अपने संस्कारों में कितना उतारा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर्ड सम योगा, सम मेडिटेशन, सम टाइप ऑफ हीलिंग, सम टाइप ऑफ रिग्रेशन, सम टाइप ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड अभी डेवलप हुआ है पिछले 25 साल से, 25 इयर्स हुए जब से अलग अलग मेडिटेशन सिखाने में आ रहे हैं करके, जैसे भी प्राणी हीलिंग है, ब्रेन हार्ट मेडिटेशन है, ये सारी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, बट हमारा क्या होता है, वी आर मोर फोकसिंग ऑन मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वी आर स्पेंडिंग मैक्सिमम मनी ऑन मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। हमें कोई पंचकर्मा के लिए 2000 मांगता है तो बोलते क्या पागल है, 2000 कोई मांग सकता है, लेकिन हम MRI 7000 का करवाते हैं, जिसमें ग्लास में लिखा होता है रिपोर्ट में कि नो एबनॉर्मलिटी फाउंड, 8000 तो ऐसे ही अवेयरनेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई हीलिंग का पैसा मांगता है तो बोलते हैं आपको हीलिंग का पैसा भी ले सकते हैं, क्या पागल है, हीलिंग तो फ्री में करनी चाहिए, तो भगवान की चीज़ है, लेकिन उसने भी कहीं तो सीखा है, किसी को
एनर्जी एक्सचेंज की है. दिस इज द मेंटेलिटी दैट बिलीफ सिस्टम वी हैव टू चेंज. अगर आप पहले पंडितों को हजारों रुपए देते थे राहु केतु की पूजा करने के लिए, तो आप अब स्पिरिचुअल लोगों को पैसे देते हो अपना टैरो रीडिंग करवाने, पाम हिस्ट्री करवाने, या आपकी न्यूमरोलॉजिकल एनालिटिक कराने, ग्राफोलॉजी एनालिसिस करवाने, ऑरा एनालिसिस करवाने. सो यू आर डूइंग समथिंग. एंड द ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट मनी इज द बेस्ट थिंग वेयर यू कैन पे एंड यू कैन क्लियर योर कर्मा. दिस इज द सिक्स्थ एलिमेंट. इट इज द बेस्ट थिंग. पैसा नहीं था तो हम सोचते यार कर्म काटे कैसे. देन यू हैव टू गिव फिजिकल सर्विस टू द पीपल. बट मनी है, यू आर पेइंग समवेयर. आज मोबाइल है मेरे पास, 500 रुपये देता हूँ मैं कंपनी को वोडाफोन, 500 रुपये में 60,000 लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है, दे आर सिक्योर्ड. ये भी डॉक्टर उदय शाह को कभी भी कॉन्टैक्ट करो, मैसेज करो, रिप्लाई मिलेगा. तो 500 रुपये बड़ी बात नहीं है 60,000 के बिहाफ में. माई फैमिली इज ऑल्सो सिक्योर्ड. 365 days आई एम ट्रैवलिंग. तो वो कभी भी मुझे मैसेज करते भाई तुम पहुँच गए, हाँ पहुँच गया बस. तो मेरे लिए तो बड़ी बात है. सो यू हैव टू चेंज योर व्यू. दैट्स द ओनली द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी. इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग है ना टेक्निकल बेस्ड है, वी आर वेरी साइंटिफिक पीपल. मुझे पता है कि बगैर सोनोग्राफी के, बिकॉज मैंने गायनेकोलॉजी किया है, तो मैं बगैर सोनोग्राफी के बोलूंगा भी नहीं कि बच्चे का अंदर पोजीशन कैसा है, ऐसा नहीं बोलूंगा. तो बगैर ऑरा के भी मैं आपको भटका नहीं सकता हूँ, बिकॉज अगर आपकी ऑरा क्या कहती है उस हिसाब से मैं आपको विपश्यना में डाल सकता हूँ, राजयोग के लिए बोल सकता हूँ, क्रिया योग के लिए बोल सकता हूँ. समझ में कि नहीं. तो ये चीज़ होती है कि आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में आनी है तो आपके पास दो चॉइस है. या तो आप मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को एनालिसिस करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो कोई भी ऐसे ऑरा एनालिसिस करते हैं उनसे आप रीडिंग करवा लो. दो ही चॉइस है. बुद्धा अंदर गए, महावीर अंदर गए, सेल्फ एनालिसिस किया, तो उनको बाहर की किसी की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन उस टाइम से अभी तक इतने सालों में हमारे थॉट्स बढ़ते गए. मुझे लगता है अगर महावीर के टाइम पे या बुद्धा के, जीसस के टाइम पे किसी ने साइकोलॉजी वालों ने अगर रिसर्च किया होगा तो 50 थॉट्स पर डे आते थे, और आज 60,000 थॉट्स आते हैं. इतने थॉट्स बढ़ गए. उनके लिए 50 थॉट्स को कंट्रोल करके विपश्यना करना इजी था, हमें 60,000 को थॉट्स को कंट्रोल करके विपश्यना करना मुश्किल है. जो अभी आप थोड़ी देर स्टार्टिंग में आपने क्या बोला कि मैं आँख बंद करता हूँ तो दुनिया भर के विचार आते हैं, क्योंकि 60,000 थॉट्स आते हैं जब आँख बंद करते हो. आँख खुली रखते हो तो किसके थॉट्स आएंगे, यार इन्होंने कौन सा कपड़ा पहना, यार इन्होंने कौन सा मोबाइल यूज किया, ये इतने दो चार थॉट्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे. आँख बंद किया तो 60,000 धड़ाधड़ शुरू हो गए. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये कप है, इसको मैं बंद करता हूँ तो इसका अंदर जो एयर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, फटाफट टकरा दे जाएंगे एक दूसरे से अंदर ही अंदर. और जैसे मैंने खोल के टकराएंगे नहीं, बिकॉज उनको स्पेस मिल गई. एक चीज देखो, अगर मैं आपको किसी को बंद कमरे में पैक कर दूं, आप क्या करोगे मुझे बताओ. बस यही चीज है. मेडिटेशन में थॉट्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन करने नहीं. समझ में कि नहीं, वो नॉक करते यार बाहर निकलो यार मेरे फियर को निकाल. समझ में, फटाफट विचार आते हैं, इससे आँख बंद नहीं कर सकते आप. मैं आपको बोलूँ आँख बंद करो, आप लोग यार कुछ करेंगे तो नहीं, मेरे को कुछ करेंगे तो नहीं, इसे ऐसे डर लगता है, ऐसे फियर लगता है. तो जादू टोना तो नहीं करेंगे, तुझे हिप्नोटाइज तो नहीं करेंगे, इसी ऐसे डर लगता है. समझ में आ रहा है. तो इसी तरह से हमें क्या है, इसके राजयोग में स्पेशली ब्रह्म कुमारी ही एक ऐसा मेडिटेशन है जहाँ लोग बोलते हैं आंखें खुली रख के मेडिटेशन करो, बिकॉज आंखें बंद करके तो बहुत विचार आ रहे हैं, बहुत फियर हो रहा है, तो वो कहते हैं कि आंखें खुली रख के करो. एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक. लेकिन उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया तो लोग बोलते अरे आंखें खुली रख के थोड़ी पे मेडिटेशन किया जाता है, आंखें तो बंद करनी पड़ती. बट वेन यू आर अ बिगिनर यू हैव टू ओपन योर आईज एंड डू द मेडिटेशन. और वो सिंपल मेडिटेशन जो मैं लोगों को ये बताता हूँ, एक प्लेन पेपर लो, एक डॉट कर लो और बस उसको देखते जाओ. दिस इज सिंपल मेडिटेशन. एम आई राइट? दैट्स अ सिंपल मेडिटेशन. या आप एक कैंडल फ्लेम जला लो, फ्लेम को देखते जाओ, त्राटक मेडिटेशन.
तो ये है कि आंखें खुली रखते रखते करोगे तो लेकिन आंख बंद करके भी करोगे, राइट? सो जैसे आपने मेडिटेशन शुरू की, आपके अंदर के जो सेल्स हैं, जो आपकी नाड़ियां हैं, जो चक्रस हैं, उसकी आप अभ्यास शुरू करोगे, उसकी स्टडी शुरू करोगे, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। ग्रंथ कुरान ये बहुत पढ़ लिया आपने, अंदर की स्टडी कब करें? अंदर किसकी चेतना है? करण की है, दुर्योधन की है, शकुनी की है, या कृष्ण की है? किसकी कॉन्शियसनेस आपके अंदर बैठी हुई है? सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी कॉन्शियसनेस आपके अंदर है वही तो रोल प्ले करने वाला है। आइडिया है ना? काफी महिलाएं आके बोलती है मेरे पास, अरे मेरा हस्बैंड इतना भोला है, उसको तो कोई भी लूट लेता है। अब उसके अंदर करंट की कॉन्शियसनेस रहेगी तो वो रहेगा ही, कोई भी कुछ भी लेके जाएगा उससे। समझ में है कि नहीं? सो यू हैव टू सर्च, बिकॉज आपके जो अलग अलग कॉन्शियसनेस है, ये 360 डिग्री का एक कॉन्शियसनेस का एक चार्ट होता है हमारे सोल के साथ। हर लाइफ में अलग अलग कॉन्शियसनेस के साथ हमारा बर्थ होता है। कभी अर्जुन का कॉन्शियसनेस आता है हमारे अंदर, कभी दुशासन का आता है, कभी दुर्योधन का आता है, ऐसे करके वो पार्ट प्ले करता है। अभी मेरे मोबाइल में अगर वोडाफोन का सिम कार्ड है तो किसका नेटवर्क पकड़ेगा? वोडाफोन का। भले आप मैनुअल पे देखोगे अरे एयरटेल भी है, जियो भी है, ये भी है, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट रजिस्टर्ड टू दैट। सो मेडिटेशन में आपको वो समझना पड़ेगा यार मैं ये गलतियां बार बार क्यों कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये कौन सी चेतना है, या मेरे साथ गलतियां क्यों हो रही है, या लोग क्यों मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड में, मेरे वाइफ में कौन सी, या मेरे बच्चे में कौन सी कॉन्शियसनेस है जो ये ऐसे कर रहा है। वी ऑल आर अनकॉन्शियसली लिविंग। हम कोई कॉन्शियसली किसी को धोखा नहीं देना चाहते और कोई हमें भी नहीं देना चाहता, लेकिन हम है ना सबकॉन्शियस फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये सोल टू सोल फाइट है जिसमें बॉडी सफर करता है, बॉडी सफर करता है। मतलब इतना अच्छा डॉक्टर है, इतनी अच्छी डिग्री है, क्या क्यों गलत डायग्नोसिस कर लिया मैंने, क्यों गलत दवाई दे दी, कुछ तो कार्मिक रहेगा उसके साथ। इतना अच्छा ज्योतिष था, पंडित था, इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर, इतना नाम सुना था, लेकिन मेरी कुंडली कैसे गलत बता दी, मुझे ना गलत जगह पे डाल दी, कुछ तो कार्मिक आपका है। और जो लेसन आपको लर्न करना है उस कॉन्शियसनेस के वजह से वो कोई भी मिटा नहीं सकता। यू हैव टू गो थ्रू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू इट, एम आई राइट? सो द फर्स्ट चैप्टर इन स्पिरिचुअलिटी इज एक्सेप्टेंस। द फर्स्ट चैप्टर इज एक्सेप्टेंस, कि कोई भी चीज को पहले तो स्वीकार, स्वीकारोगे तो उसका अनुभव कर पाओगे, स्वीकारोगे नहीं तो अनुभव नहीं कर पाओगे, कि दूसरा कोई वापस वही अनुभव देने के लिए आ जाएगा। राइट है? मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक चीज है, देखो स्वीकार, स्वीकारना का मतलब है कि मैंने अपने हार्ट से स्वीकारा। जैसे देखो तलाक होता है या शादी होती है, तीन बार बोलते हैं ना, मतलब स्वीकार, कबूल कबूल कबूल, स्वीकारा मैरिज, तलाक तलाक तलाक, तीन बार मैंने स्वीकारा। If you accepted that situation, you accepted that person, हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस तीन माइंड है, तो तीन बार हमें वो स्वीकारना पड़ता है। हम एक बार बोलेंगे हाँ मैंने इसको फॉरगिव किया, ये एक बार बोला, सेकेंड थर्ड टाइम तो बोला नहीं, तो अभी भी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में रह गया वो फॉरगिवनेस, फिर वापस कभी बाहर आएगा। तो ये जितना भी मेडिटेशन है या जितनी भी अलग अलग प्रकार की इनिंग्स है ना, ये हमें स्वीकारने की एक प्रोसेस है, ये एक्सरसाइज है टू एक्सेप्ट इट। ये मेरा ही अनिल पार्ट है, जैसे आपने जो शरारतें बचपन में की है आज आपके बच्चे वही शरारत करते हैं, तो आप स्वीकार हो गया, हाँ यार छोटा था तो मैं भी ऐसे ही करता था, झूठ बोल के नानी को खेतों में जाता था, यहाँ वहाँ करता था, आइसक्रीम खाता था, आज मेरे बच्चे भी है ना झूठ बोल के सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, पर झूठ था, वही झूठ था, ऑब्जेक्ट अलग था। आप चॉकलेट ही चुराते थे, चुप चुप के खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, आज वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, समय बदल गया ना। समझ में आ रहा है कि राइट? तो ये चीज स्वीकारना है कि मेरा ही कुछ अनहील पार्ट है, आज मेरा जो वंश है वही तो वो करेगा जो मेरा अनहील पार्ट है, वही तो करेगा ना।
अब मेरे इसमें 4G है, मैं हॉटस्पॉट चालू करता हूँ, आप लोगों को नेटवर्क दे रहा हूँ, तो यहीं से तो नेटवर्क गया ना, ये नेटवर्क भी क्या था, आपको भी गेन मिलेगा। तो हमारे बच्चे जो अपनी अपने DNA लेके आए हैं, अपनी इम्प्रिंट्स लेके आए हैं, पेरेंटल इम्प्रिंट्स लेके आए हैं, तो हम उनको रोक टोक के सुधार नहीं सकते, हमें अपना सेल्फ करेक्शन करना पड़ता है। तो ये DNA यहाँ करेक्ट हो गए तो वो DNA वहाँ करेक्ट हो गए, यहाँ मैंने नेटवर्क की रेंज बढ़ गई तो वहाँ पे नेटवर्क मिलना शुरू हो गया, मैंने अपनी हीलिंग बढ़ा दी, अपना ऑरा बढ़ा दी, अपनी एनर्जी पॉजिटिव की, बाई डिफॉल्ट मेरे घर वालों का ऑरा चेंज हो जाएगा, मेरे फैमिली का ऑरा चेंज हो जाएगा। हम उल्टा करते हैं, हम हर एक की ऑरा चेंज करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी करेक्शन करने की, मेरे हस्बैंड का सुधारना है, मेरे बच्चे का सुधारना है, लेकिन अपना कब सुधारो, खुद को सुधारो, खुद को कब सुधारो, समझ में? तो ये कब सुधारोगे, जब आपने अपने ऊपर फोकस किया तब आप करोगे। यू आर नॉट स्टेइंग विद योरसेल्फ फॉर 24 सेकेंड ऑल्सो, 24 आवर्स तो दूर की बात है, 24 सेकेंड भी अपने साथ नहीं रहते, आप कभी सोचना ये बात। मेडिटेशन इज टू स्टे विथ योरसेल्फ, जितना टाइम आप अपने साथ रहोगे समझ लो दुनिया करेक्ट होगी। बुद्धा ने एक ही सेंटेंस में कहा, जैसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, समझे, एक ही सेंटेंस में कहा, मतलब मेरी सृष्टि कैसी है, मेरी बिलीफ सिस्टम, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशन, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे कर्म, ये 5 चीज है जो मेरी सृष्टि बनाती है, am I right? मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरी बिलीफ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा कर्म, ये 5 चीजें हैं जो मेरी सृष्टि बनाती है। मैं लोगों को उस दृष्टि से देखता हूँ जो मेरी ये 5 चीजें हैं। अगर मैंने थॉट चेंज किए मुझे ये अलग दिखेंगे, मैंने इमोशंस चेंज किए मुझे ये अलग दिखेंगे, मेरी बिलीफ चेंज की मुझे ये अलग दिखेंगे, राइट या रॉन्ग, मेरे कर्म चेंज किए मुझे आप अलग दिखोगे, राइट या रॉन्ग, समझ में कि नहीं? सो बदलना किस चीज को, इस 5 चीजों को बदलना, ओनली दिस 5 थिंग्स, ये बदल गए तो पूरी दुनिया बदल गई। आपसे दुनिया शुरू हुई है और आपसे ही दुनिया खत्म होगी, लेकिन आपके बाद भी दुनिया रहेगी क्योंकि आप खत्म हुए, आपकी आत्मा अभी भी खत्म नहीं हुई, आपकी कॉन्शियसनेस अभी भी खत्म नहीं हुई, कहीं ना कहीं अभी भी वो सोल है, कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है, वापस रीबर्थ लेगी, वापस उन सोल्स को अट्रैक्ट करेगी, वापस वो लेसन पूरे करने में आपको होमवर्क पे लगा लेगी। जैसे आपका कभी बच्चा फेल होता है तो वापस वो एग्जाम देता है कि नहीं, कौन सी एग्जाम देगा, कौन सी एग्जाम देगा वो बच्चा जिसका वो फेल हो गया, बात खत्म हो गई। आप रिलेशनशिप में फेल हुए, वापस रिलेशनशिप के लेसन सीखने आ गए, आप फाइनेंस के जो भी चैप्टर्स थे उसमें फेल हो गए लास्ट लाइफ में, इसलिए वापस आ गए। सर बीच में जरा से मिल हो गया कि इसका मतलब है कि अनिल अंबानी जो है वो फाइनेंस का लेसन सीखने के लिए 100% सर, मैं आपको बोलूं, मैं इसके घर पे जब गया था 25 माले तक तो वो आदमी रहता नहीं, 25 माले तक तो सिर्फ उसके सर्वेंट रहते और उसकी कार पार्किंग है, उसके ऊपर रह रहा है, ये बात है। अब वो मर्सिडीज, BMW या फरारी जो भी बेस्ट गाड़ियां हैं वो भी वो चलाता नहीं, देखो ड्राइवर चला, एंजॉय कौन कर रहा है, आज अपनी एक फैमिली को पालने के लिए आपको इतना प्रॉब्लम होता है तो उसको कितने काम ऐसे गलत करने पड़ते होंगे, क्या करेगा वो, and it is nothing wrong, see it is matter of your choice, मैं तो सिंपल कहता हूँ, if you are really spiritual nothing wrong, if you are religious आपके लिए पाप पुण्य के चैप्टर्स है, ये चीज ध्यान देना, ये आज नहीं तो कल आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप देखोगे अगर अपनी पास में यार मैं गुंडा था, अरे मैं टेररिस्ट था, अरे मैंने भी मर्डर किया, अरे मैंने भी ये किया, आपको पता चल जाएगा अपनी पास लाइफ में जाओ, वो पास लाइफ में अधूरा लेसन है, इसलिए प्रेजेंट लाइफ में ये कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हम क्वेश्चन जो जोड़ रहे हैं आगे बच्चों के साथ है ना, अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं जो उनके मन में है या उनकी जो शायद क्वेश्चन कर नहीं पा रही अधूरी इच्छाएं हैं तो वो फिर कैसे दूर होंगी, मतलब उनको ठीक होना पड़ेगा तब वो ठीक होंगे या हम नहीं। ये देखो एक चीज क्या है, हमारा ये मणिपुर चक्र है, मणिपुर नाभि के यहाँ मणिपुर चक्र है,
ये हमारे पेरेंट्स से भी जुड़ा है और हमारे बच्चों से भी जुड़ा है। जब हम यहाँ हाथ रख के अपनी हीलिंग फॉरगिवनेस करते हैं तो अपनी पेरेंट्स को भी हील करते हैं, उनके डीएनए को भी चेंज करते हैं और हमारे आगे के जो वंश है उनको भी चेंज करते हैं। समझ में कि नहीं? बिकॉज इंटरकनेक्शन है ना, इंटरकनेक्शन है। मेरे मोबाइल में मेरे ईमेल आईडी पे 3500 कॉन्टेक्ट डाले गए हैं। अब कॉन्टेक्ट तो मैंने बहुत पहले डाले थे, आज मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो पहले वाले कॉन्टेक्ट भी डिलीट कर सकता हूँ, या आज मैंने जो ऐड किया था उसको भी डिलीट कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। नेक्स्ट टाइम जब मैं सिंक करूँगा तो उसमें वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। समझ में? सो आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना पड़ेगा आपको, है ना। आपका जो गोल चार्ट विश लिस्ट जो आप फ्यूचर के बारे में लिखते हो, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, मैं लोगों को ये कहता हूँ गोल चार्ट विश लिस्ट ये बनाओ कि भाई काम अपने पे क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या हासिल करना है, उसके गोल चार्ट विश लिस्ट मत बना। मैंने NLP सीखी है, मैं पहले सिखाता था, मैं माइंड ट्रेनर था, मोटिवेशनल ट्रेनर था, तब मैं लोगों को बताता था भाई आप बड़े बड़े चार्ट बनाओ, ये करो, मैं अब मैं समझ गया अभी मैं सोल के चार्ट बनाता हूँ, अब मैं माइंड के चार्ट नहीं बनाता। सोल का टारगेट क्या, आपका सोल पर्पज क्या, पहले मैं लाइफ पर्पज के लिए काम करता हूँ। तो ये मेरे में शिफ्ट आ गया बिकॉज आई सॉ माय ऑरा, बार बार येलो क्यों आ रहा है मेरे ऑरा में, मैं सोचता था यार मैं इतना अच्छा काम करता हूँ येलो क्यों आ रहा है, फिर मैं समझ गया आई वॉज अ मोटिवेशनल ट्रेनर बिकॉज मैं डॉक्टर था, लॉजिकल था, तो मैं लोगों को अचीव करने के लिए गाइड करता था। जैसे मैंने अपने पास में देखना शुरू की तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कुछ पहले का अधूरा रह गया यार, मैं नई नई चीज़ों को कहाँ अट्रैक्ट करने बैठ गया, पुरानी चीज़ों को क्लियर करूँ मैं। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, दिस इज द शिफ्ट व्हाट आई गॉट इन माय लाइफ। तो मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि आज के बाद अगर कुछ हासिल करना है तो वो करो जो आपने पहले अधूरा छोड़ा है ना। आपने अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी स्वाइप करके शॉपिंग की है पहले उसका तो बिल पे करो, आप नए नए शॉपिंग ही किए जा रहे हो तो लेकिन मेरे अंदर से इच्छा थी कि नहीं मैं एक टॉक दू कर, तो मैंने बहुत हीलिंग करी लेकिन अल्टीमेटली आई हैड टू कम हियर, मेरा कुछ तो पास लाइफ में इनके साथ कमिटमेंट रहेगा। कर्मा होता है अगर किसी के साथ तो बहुत तकलीफ होती है, कमिटमेंट होता है तो तकलीफ नहीं होती। आई एम एंजॉइंग माय ऑल माय टॉक्स, आई एम एंजॉइंग माय ट्रैवलिंग, आई एम एंजॉइंग पीपल, मीटिंग द पीपल। सो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, या कमिटमेंट होता है या कर्मा होता है। आपका बच्चा आधी रात को आपको उठा के कुछ खाना मांगेगा आप दोगे कि नहीं, दोगे कि नहीं, ये कमिटमेंट है आपका। पड़ोसी वाला अगर दिन में भी आएगा तो बोलेगा यार कहा मैंने खोल दिया दरवाजा, मुझे अभी इसको शक्कर देनी पड़ रही है, खाना वाना देना। सी दिस इज कर्मा, दिस इज कर्म। जहाँ आपको तकलीफ होती है किसको हेल्प करने में, ये कर्म है। जहाँ आपको खुशी मिलती है किसी को हेल्प करने में, दिस इज कमिटमेंट। समझ में आ रहा है? इसलिए हम वो चीजें नहीं करते जो हमें तकलीफ देती है, लेकिन उसके बगैर आप आगे भी नहीं जा पाओगे। कमिटमेंट करना तो ईजी है, आपके अपने बच्चों को हेल्प करने में कौन सी बड़ी बात की, दूसरों को बच्चे को हेल्प करो ये बड़ी बात है। यही ना, अनइजीनेस में, मतलब डिसकंफर्ट में ही हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, इवोल्यूशन है, और हम वो डिसकंफर्ट चाहते नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपने किसको बोला बोले नहीं कुछ कर देंगे, तो वो उनका डिसकंफर्ट था, वो उनको अपना पैटर्न तोड़ने का एक फियर था, यहाँ आने का फियर नहीं था, उनका अपना पैटर्न तोड़ना फियर था कि कल कुछ और हमें दिख जाएगा, फिर मुझे बताएंगे ऐसा वैसा, फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। यू डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग सो यू आर नॉट हियर। रिजेक्शन का खतरा है ना, बच्चा स्कूल बचपन में नहीं जाता, बोलते बेटा आज देख तेरा टिफिन डाला है, तेरी डिश डाली है, तो बेचारा वो लालच में स्कूल चले जाता है। समझना? सो आपको भी क्या है, मैं एडवाइस यही करता हूँ, यू स्टार्ट योर जर्नी विथ योर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मेडिटेशन, जितना भी हो सके भले 2 सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, उससे तो शुरू करो। ये नहीं कहता हूँ घंटों घंटों तक बैठो आप। सो फॉर हाउ लॉन्ग इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट, यू स्टार्ट विद 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, मिनट्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। समझ में कि नहीं? अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने हाथ ऐसे किए, मैंने सांसों के ऊपर ध्यान दिया, अंदर गए बाहर आए, सांस अंदर गई बाहर आ गया, मैं ध्यान दे रहा हूँ, अचानक मुझे इनका थॉट आया, बस
तीन सेकंड में तो देखो मैं डाइवर्ट भी हो गई, मुझे तो नेगेटिव नहीं आते नहीं है, वो है वो अंदर भटक रहे हैं क्योंकि रोज न्यूज़पेपर में जो पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर्स तो पढ़नी नहीं, नहीं देखो क्या है न्यूज़पेपर्स है टीवी चैनल्स है आजकल जो भी चीज़ें बाहर क्या होती है जो मैं बता रहा हूँ 98% जो कलेक्टिव नेगेटिव चीज़ें ना वो आती है इसका रेप हुआ इसकी ये सारी चीज़ें, तो जो हमारा अनहील पार्ट है उस चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हमारा हील पार्ट है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। अब मुझे याद नहीं आता कि पिछले 15-17 साल से मैंने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल देखा होगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे लगता है जिस जिस का अपना कार्मिक अकाउंट है उसका कुछ चल रहा है, चलने दो चलने दो, उसका वहाँ पे कोई मूवी चलती है उसका चलने दो। दैट इज व्हाट इवन बुद्धा थॉट व्हेन दे गॉट एनलाइटेंड, समझ में, दे आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी स्टफ इन एनीवनस लाइफ। तो ये हमसे भी ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका कुछ अकाउंट चल रहा है, जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है मतलब आपको ड्रेन करती है, आपका ऑरा इतना अच्छा है और आपने कोई चीज देख ली टीवी में या न्यूज़पेपर में वापस आपका ऑरा सिकुड़ गया, मतलब ये आपको वर्क करना पड़ेगा ना वापस ऑरा को खोलने के लिए, समझ में नहीं? अगर दूसरे लोग बोलेंगे इनको नॉलेज नहीं है, टीवी नहीं देखते, 17 साल से मुझे भी नॉलेज नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपनी तो नॉलेज है। अपने बेटे के लिए बहुत देखती थी उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ मजा ऐसा हो जाएगा जितने मर्जी अपनी सेल्फ फीलिंग करके, इतना फर्क हो गया कि अब तो टीवी तो दूर की बात है, शायद सर के साथ जुड़ के मैंने अपने बेटे को बाहर भी भेज के पढ़ाना शुरू कर दिया और वो 2 साल से बाहर आ रहा है, मुझे चिंता है तो 2 साल के लिए बाहर भेज। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज यू नो सेल्फ कनेक्शन, अपने आप में ही चेंज आ रहा है क्योंकि बच्चा परेशान होता है कि आपके डर के पीछे मैं क्यों सफर करूं। आज आप अपनी बेटी की भी शादी करवाते हो और ये डरते हो कि मेरे ससुराल वाले कैसे रहेंगे, पति कैसा रहेगा, और फिर बार बार आप बेटी को फोन करके पूछते हो शादी के बाद, तो कुछ तो वो बोलेगी और जो भी वो बोलेगी आप अपने माइंड में रखते हो, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, इंटरप्रिटेशन भी कैसा है उसका है कि नहीं। तो ये चीज होती है कि हमारा एक छोटा सा जो अनहील पार्ट था उसने क्यों इतना बड़ा पिक्चर एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया, उस टाइम पे ही हमें अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है कि ये डर मेरे अंदर आया कहाँ से, लेट मी ऑब्जर्व इट, तो पता चलेगा हाँ यार बचपन में छोटी थी तब ऐसा हुआ था, तब नानी ने या दादी ने कहा था भाई संभाल के जाना कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा डॉक्टर की सुई लगेगी, ऐसे से कुछ एक डरावना चीज़ें हमें डाल दी, तो वो जो डर है ना वो उस एक अलग फॉर्म ले लिया, क्योंकि बचपन में बोलना ही पड़ता है ना, माँ बाप को क्या है ना वो नहीं बोलेंगे भाई संभाल के जाओ, उसके साथ 4 चीज़ें ऐड कर देंगे क्योंकि उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो उन्होंने आपके अंदर फीड कर दिया, आपकी बिलीफ सिस्टम में डाल दिया, आप अपने बच्चों के अंदर डालते सवाल करो चेटा नहीं से हाँ वो ऐसे ऐसे करेंगे उसे तो दूर ही रहना, समझ में कि नहीं, तेरे पति पे ध्यान देना वो तो बोल रहा है सिगरेट नहीं पी रहा लेकिन कहीं तो मुझे लग रहा है, तो वाइफ रोज उसके पीछे लगी रहती पीता तो नहीं पीता तो नहीं पीता तो नहीं, और सही में कभी किसी ने बोल दिया पी रहा है बोलते देखो मुझे लगा ये पीने वाले, सी योर थॉट्स इज गेटिंग मैनिफेस्ट, आपका डर ही मैनिफेस्ट होता है बिकॉज गॉड बोलता है तथास्तु, आप जो भी बोलोगे सो भी गॉड तो यही बोलते हैं, अब आप क्या बोलते हो ये आपकी चॉइस है, मेरा मतलब रहता है इनके पास से कोई काम नहीं है, हां बीमार भी है, अब इसके अलावा टीवी देखने या म्यूजिक सुनने मतलब वो हमारी वो हैबिट, तो वो टाइम ना हजम तो मेडिटेशन करेगा नहीं ना, क्यों नहीं करेगा, मेरी दादी मैं आपको बताऊं शी डाइड एट द एज ऑफ 102, 95 की एज में उन्होंने मेरे से मेडिटेशन सीखी, हीलिंग वगैरह सीखी और 95 की एज से वो कंटिन्यू 5-5, 6-6 घंटे मेडिटेट कर रही थी, हीलिंग कर रही थी, सिंबल्स डाले जा रही थी, उसके पहले मैं देखता हूँ ये टीवी देखती है, उसकी एक बेटी की बात करती है, उसकी बात करती है, इसकी बातें करती, सब बंद हो गया। मैं सीनियर सिटीजन को तो स्पेशली एक वर्कशॉप ये कंडक्ट करवाता हूँ सीनियर सिटीजन रीबर्थ करके, तो मैं इनको गोल चार्ट्स बनाता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में आपको क्या बनना है ना अभी से लिखो, मैं आश्रम में भी जाता हूँ या ऐसे कोई गार्डन होता है वहाँ सीनियर सिटीजन को ये पूरा मैं ये बोलूँ तो वो लोग बता रहे कि भाई नेक्स्ट लाइफ मुझे ऐसा बनना है, तो अभी पहले की जो भी लाइफ है प्रेजेंट की वो भूल जाते हो,
मेरी बहू ऐसी, मेरी पोती ऐसी, ऐसे कम कपड़े पहनती है, ये बाहर निकलती है, ऐश करती है, सब भूल जाती है। अब वो नेक्स्ट लाइफ के गोल चार्ट पे लगे हुए, मुझे नेक्स्ट लाइफ में कैसे बनना। सी दैट यू यू हैव टू प्ले विद द माइंड, माइंड इज अ मंकी, अदरवाइज यू प्ले विद इट, एंड ओनली स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग टू हेल्प यू टू कंट्रोल योर माइंड। आप माइंड को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, जैसे आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका 2 साल के बच्चे के हाथ में ये चाकू है ना, आप ये छीन नहीं सकते हो। उसको खेलते 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 आप चाकू ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीधा छीनने की कोशिश करोगे नहीं, मैं नहीं दूंगा। आप कितना भी बोला दे तेरा हाथ कट जाएगा, खून निकलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, टाके मारने पड़ेंगे, स्टिचेस मारने पड़ेंगे, वो नहीं सुनेगा। उसके लिए ये चीज बड़ी चीज है, इज अटैच टू दिस थिंग, यू आर अटैच टू योर फियर, यू आर अटैच टू योर थॉट्स, आप अपने इमोशन से अटैच हो, है राइट। आप खुद ही नहीं छोड़ना चाहते अपने थॉट्स इमोशंस को, ऑब्जेक्ट तो बात की बात, आप सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते, समझ में गए। और ये फियर हमें डॉक्टर और रिलीजियस गुरु क्रिएट करते हैं कि आप दवाई नहीं खाओगे लकवा हो जाएगा, आप ये पाप करोगे नर्क में जाओ। तो ये दो लोग हैं जो हमारी लाइफ में फियर क्रिएट कर चुके हैं। आपने वीडियो में बताया था जिसके अंदर आपने अपनी बेटी को वैक्सीनेशन नहीं करवाया। मैंने बच्चों को वैक्सीनेशन ही नहीं करवाया। मेरा बेटा 10th में है, मेरी बेटी 5th में है। सी आई एम अ डॉक्टर, मैं पेडियाट्रिशियन वाड़िया हॉस्पिटल बॉम्बे में किया हुआ है, सो मैं कितने हजारों बच्चों को वैक्सीनेशन करवा चुका हूँ। बिकॉज व्हेन आई वाज अ डॉक्टर आई वाज इन हॉस्पिटल, आई हैड टू डू एवरीथिंग। मैंने सोचा था यार जब मेरे बच्चे हो गए तो मैं तो एक सुई भी नहीं टोचू, अरे बेचारे को क्यों मारूं यहाँ, उसकी खुद की इम्यूनिटी डेवलप करने दिया ना मैं, समझ रहे। तो ये चीज बिकॉज सी इफ यू डोंट क्रिएट प्रूफ इन योर ओन लाइफ दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, it's only you're giving the knowledge, you're not practical enough. मुझे जब फ्रैक्चर भी हुआ था 2009 में, मैं वैष्णो देवी से नीचे उतर रहा था, मेरा पैर फिसल गया बिकॉज स्नो बहुत था और मैं स्लीपर पहन के एक्चुअली ऊपर चढ़ा था, तो मेरा पूरा ऐसा हार्ट ट्विस्ट हो गया, फ्रैक्चर हो गया था। मैंने फ्लाइट पकड़ के जम्मू से मैं बॉम्बे आया, रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, उसने बोला नहीं यहाँ 3 फ्रैक्चर हो गए, तुम्हें 1.5 महीना प्लास्टर डालना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो नहीं डालूंगा, आप डॉक्टरों की ऐसी गवारों जैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा नहीं करूँगा। और मैं वहाँ से चला गया और 7 दिन तक मैंने अपनी बहुत हीलिंग करी, एक साइकिक सर्जरी करके प्रोसीजर होती है वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, और 8th डे जब वो रेडियोलॉजी डॉक्टर के पास गया और उसने एक्सरे निकाला, इट वॉज नॉर्मल, ही वॉज शॉक, उसने बोला ऐसे कैसे, मेरे मेडिकल साइंस में आज तक ऐसे नहीं हुआ। साइकिक सर्जरी करके, रेकी का एक एडवांस टेक्निक होता है, सो दैट आई अप्लाइड ऑन माय सेल्फ। मैंने कहा चलो मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, लेट मी सी। मतलब बहुत अलग अलग तरीके से, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कन्विंस योर माइंड। मैं किसी एक थेरेपी को ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, डिपेंडिंग पे। अभी हम लंच खाते हैं, कोई चाइनीज लंच लेता है, कोई गुजराती, कोई राजस्थानी लंच लेता है, कोई पंजाबी, इट्स योर चॉइस कि आपको प्रोटीन विटामिन मिनरल कैल्शियम कौन से फॉर्म में लेने हैं। आपका हार्ट और सोल एक हो जाता है, तो वो आपको गाइड करते हैं। भले फिर आप बोले वो शिव बाबा है या साईं बाबा है या कृष्णा है, वो मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है। अभी तो आप एक्सटर्नल सोर्स को पकड़ के चल रहे हो, गाइड तो आपका इंटरनल ही कर रहा है, सारे परमात्मा देवी देवता तो अंदर ही है। लेकिन चलो हमने एक एक अजम्पशंस किया है, जैसे हम फिजिक्स में मैथ्स में अजम्पशन करते हैं, एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू ये है, इस तरह से हम करते हैं ना, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। बुरी चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि भाई एक्सीडेंट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो अच्छी चीज़ों को अज्यूम करो, वो तो कर सकते हैं। थेरेपीज कितना हेल्प करती है, जैसे सारी थेरेपीज हेल्प करती है, बिकॉज इट्स एन एक्सरसाइज, इट्स एन एक्सरसाइज, आप करते करते ही तो कुछ कर रहे हो ना। लेकिन थेरेपी कर रहे हैं मतलब मेडिटेट कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, थेरेपी इज एन एक्सरसाइज ही है, एनी थेरेपी इज एक्सरसाइज। मैं जब सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने एक्यूप्रेशर सीखा था 3-4 बड़े बड़े लोगों से, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का पैरालिसिस, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक किया, वो थेरेपी भी अच्छी थी। फिर किसी ने मैग्नेट थेरेपी सिखाया, वो भी अच्छी थी। किसी ने मुझे योगा सिखाया, वो थेरेपी भी अच्छी थी। यू आर यूजिंग इट, इट्स हेल्पिंग यू, इट्स नथिंग रॉन्ग, समझ।
आज मैं वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट को ही नहीं करता हूँ, मैं टच नहीं करता, बिकॉज मैं साइंस समझ गया मैंने किसी को टच किया उसकी नेगेटिव मेरे अंदर आ सकती है, क्योंकि दिस इज बायो सेंसर, ये पकड़ने वाला है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, वही पॉइंट पे मैं सिंबल्स डाल देता हूँ तो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, और मैं क्रिस्टल पहन के रखता हूँ तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी मेरे अंदर नहीं आएगी। सी, ये प्रिकॉशन है, ये प्रोटेक्शन है, हर बार तो मैं शील्ड नहीं क्रिएट करूँगा, अचानक कोई बीमार है मैं बोल करूँ पहले शील्ड डाल देते फिर तुझे। आई कैनॉट डू दैट। See, this is how you know you have to be very much scientific. Take a precaution. आज 59,000 students को मैं एक्यूट कर चुका हूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। लोग बोलते यार उसका हेडेक ठीक हो गया, मैं मुझे हेडेक हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ों में हमें तकलीफ होती है, मैं तो इतने लोगों को एक्यूट कर चुका हूँ। आपका दिल साफ है, इंटेंशन अच्छा है, थोड़ा आपने अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल दिया, सेल्फ हीलिंग अच्छी कर रहे हो तो दूसरे को हीलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेल्फ हीलिंग नहीं करते और दूसरे को हीलिंग करोगे तो आप ड्रेन होने ही वाले हो, समझ में क्या। मैं किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करता हूँ तो पहले बहुत अपनी हीलिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसकी वो फाइलें खुलेंगी जो मेरे से कनेक्टेड रहेंगी, देखेगा वो अपने खुद को अपनी लाइफ, लेकिन कहीं तो मेरा भी कनेक्शन होगा उसके साथ, नहीं तो मुझे क्यों वो क्लाइंट मिला। तो मुझे बहुत हीलिंग करनी पड़ी, मैं भले क्लाइंट को बोलता हूँ कि देखो मैं कर रहा हूँ 21 दिन आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन 21 दिन मेरे लिए भी होमवर्क रहता है, और अगर मैं नहीं करता हूँ उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन बेकार है। जैसे आप देखते हो आपके डॉक्टर बोलते हो सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, और कभी गलती से आपने देख ली डॉक्टर खुद पी रहा था, बोले यार तुम तो पी रहे हो, तो आप छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, बिकॉज़ यू हैव सीन, आपने उसको एक रोल मॉडल बनाया, अब रोल मॉडल ही आपका कच्चा है तो आप थोड़ी वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले। दिस इज द वे, हमने क्या है ना सिर्फ इस स्पिरिचुअलिटी को एक साइंटिफिक अप्रोच दिया है कि पहले ऑरा फोटोग्राफी करते हैं, हम किसी को ब्लाइंडली गाइड नहीं करना चाहते, इंटिटिवली गाइड नहीं करना चाहते, जो हमें दिखता है ऑरा वो लोगों को हम स्क्रीन पे दिखाते हैं और फिर गाइड करते हैं, इट इज ऑथेंटिक। जैसे आप सोनोग्राफी करवा के डॉक्टर के पास जाते हो तो ऑथेंटिक होता है, हाँ ट्यूमर है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, स्टोन है, कैशियस शैडो है, तो यू फॉलो इट। अगर कोई ऐसे ब्लाइंडली बोले हम यू फॉलो इट, माइंड को तो क्या है ना कुछ देखने की आदत सी पड़ गई, क्योंकि हम जब छोटे थे ना जब बोलना सीख लिए 1 साल के, तब से हमें बताया गया है कि ये ग्रीन कलर है, इसको पेड़ बोलते हैं, इसको कब बोलते हैं, इसको ये पहले से एक आदत है, तब जाके वो कन्विंस्ड होता है। और स्क्रीन पे दिखाई देता है ना, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है जो हम लंडन से US से लेके आए हैं, तो मैं पिछले 15 साल से वही काम करता हूँ, मैंने सत्य साई बाबा का ऑरा किया है, श्री रविशंकर का कितनी बार ऑरा किया है, जानकी दादी का, प्रकाश मणि दादी, कितने लोगों का मैंने ऑरा किया, मैं उनको गाइड करता हूँ कि भाई आपको कहाँ पे अपना भी काम करना, बिकॉज अगर इतने लोग आपसे कनेक्टेड है मतलब ये आपका भी तो होमवर्क है, समझने के लिए। मैं उनका फिजिकली जाके पुट्टपति साहिब ये ऑरा का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, इनविजिबल एनर्जीज जो हमारे आजू बाजू होती है ना वो नेकेड आई से नहीं दिखती। तो अभी क्रिलियन फोटोग्राफी जो बनी थी जर्मन के एक साइंटिस्ट ने, रशियन के साइंटिस्ट ने, तो जैसे टेक्नोलॉजी बनाई कि इनविजिबल चीज़ों को विजिबली देख सकते हो, जैसे आजकल आप देखते हो कि कॉन्ट्रास्ट सिटीज के MRI होता है, एक प्लेन होता है एक कॉन्ट्रास्ट होता है, तो कॉन्ट्रास्ट में डाई डालते हैं आपको एक इंजेक्शन डाल, तो वो डाई डालने के बाद क्या है कई छोटे छोटे ब्लॉकेजेस भी ना वो भी दिख जाते हैं। तो ये ऑरा का क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना ये एक प्रकार का डाई है, इनविजिबल चीजों को वो विजिबल कर, तो वो स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसे। इट्स अ रेडियोलॉजिकल सब्जेक्ट अगेन, तो मुझे 3 साल लगे उसको समझने में, जब मैं PhD कर रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया इसको रीड कैसे करूँ, क्योंकि मुझे जिस साइंटिस्ट ने सॉफ्टवेयर दिया था वो मार्केटिंग पर्सन था, उसको तो क्या वो 6 लाख का सॉफ्टवेयर पकड़ाना था कैसे भी, उसका काम ही ये था, उसके बाद में एक PIP करके एक सिस्टम आई, पॉलीकॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी, जो लंदन के डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड ने बनाई, उसके बाद अभी VFR करके और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं काफी प्रोग्रेस। अभी तो हमारे पास GDP मशीन है जो जर्मन का है, अमेरिका का RFI मशीन है,
फिर ऑरा भी मशीन है हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट है जिससे हम ऑरा करते हैं। ईएसटे का भी बहुत लेटेस्ट आया है जिसमें आपको फुट प्लेट पे हाथ रखना होता है, पैर रखना होता है, तो 10 मिनट में पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है, सारे पैरामीटर्स की रीडिंग आ जाती है कि आपकी किडनी के लेवल क्या है या कोलेस्ट्रॉल क्या है या आपका शुगर लेवल क्या है, थायराइड क्या है। अभी तो और भी ईजी हो गया है ऐसा, सो बिकॉज वी आर साइंटिस्ट वी नीड टू यूज दैट टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हम लोगों को गाइड करते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सा मेडिटेशन करना है। अगर आप डिप्रेशन में हो और आप विपश्यना में जाओगे तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसे टाइम पे आपको एक्टिव मेडिटेशन चाहिए, डायनेमिक मेडिटेशन है, कुंडलिनी मेडिटेशन है ना। तो जैसे डॉक्टर्स हम कैसे बोलते हैं आपको ENT के पास जाना है, गायनेक के पास जाना है, ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, वैसे स्पिरिचुअलिटी में हम लोगों को ऑरा के बाद गाइड करते हैं कि भाई आपको कौन सा मेडिटेशन के पास जाना है, कौन से गुरु के पास जाना है, कौन सी टेक्निक थेरेपी सीखनी है। ऑरा में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती है ना, बिकॉज हर एक में रहती है। आज मेरा भी ऑरा करोगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें भी दिखेगी, बिकॉज कुछ मेरे भी लेसन बाकी है, मेरा भी होमवर्क बाकी है। हम हमारी टीम का दो दो महीने में ऑरा करते, कल हम इनके आज सुबह इनके हस्बैंड का हम ऑरा डिस्कस कर रहे थे, जबकि उन्होंने 14 से ज़्यादा रिट्रीट्स अटेंड किए रेजिडेंशियल, तो भी उनको मैं बता रहा था कि भाई अभी आपका ये बाकी है, ये इसको भी क्लियर करो। वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, इट्स नॉट दैट वी आर कम्प्लीटली एनलाइटेड पीपल। लोग ईमेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, दुबई से, सिंगापुर से फोटो भेजते हैं, हम उसको ऑरा डेवलप करके इंस्टीट्यूशन में, और फिर हम उनको रिपोर्ट करके भेजते हैं, तो देन दे फॉलो इट, बिकॉज उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि भाई आपका हार्ट चक्र कैसा है, आपका थ्रोट चक्र कैसा है, भाई अफेक्टेड है तो थायराइड में पता चलता है हमारा कौन सा चक्र खुल गया कौन सा नहीं। हाँ, उसी से पता चलता है, उसमें गाइडेंस आता है नीचे लिखा हुआ कि आपको क्या डाइट करना है, कौन सा मेडिटेशन करना है, कौन सी हीलिंग करनी है, आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज क्या है ना आपका वो अभ्यास नहीं हुआ ना, रेडियोलॉजिकल समझ में नहीं आता है। आज आप खुद की भी सोनोग्राफी करवा के आप फिल्म देखोगे आपको क्या समझेगा, महीने में एक साल में ऑरा करते जाओ तो आपको पता चलेगा जो भी आप कर रहे हो आप कहाँ खड़े हो। जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना है, अब हीमोग्लोबिन कितना है, तो ये भी एक टेस्टिंग ही है, स्पिरिचुअल टेस्टिंग, बट ये आपके हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज जो बीमारी आज आपकी ऑरा में है कल आपकी फिजिकल बॉडी में आ सकती है। जो बीमारी आपके पहले डिटेक्ट हो जाती है, पहले ये यूज इसलिए किया, सब पता लग जाए, बिकॉज अभी लिवर में अभी सपोज लिवर के यहाँ पे अगर रेड ऑरा आया मतलब ये फ्यूचर में आपका कोलेस्ट्रॉल आने ही वाला है, अगर ब्राउन है मतलब वो कोलेस्ट्रॉल आ गया है, ब्लैक है तो वो फाइब्रोसिस हो गया है, ग्रे है तो वो सिरोसिस हो गया, मतलब उसकी भी डायग्नोस्टिक स्टेजेस होते हैं, समझ में क्या। तो हम फिर अपने हार्ट का प्रिकॉशन ले सकते हैं, या काफ़ी बीमारियां हमारी फंक्शनल लेवल पे होती है, वो ब्लड में आती नहीं है, हम चेक तो करवाते हैं लेकिन खून में आता ही नहीं, वेट बढ़ रहा है, थायराइड नॉर्मल है, तो समझ भी नहीं आ रहा मेरा वेट बढ़ क्यों रहा है। ऑरा क्या करता है, माइंड बॉडी सोल लेवल पे एक पूरा पिक्चर आपको दिखाता है। हम मेडिकली चेकिंग करते हैं वो बॉडी लेवल का होता है, माइंड की कोई टेस्टिंग थोड़ी होती है। मुझे बताओ एंजाइटी की कौन सी टेस्टिंग है, फियर की कौन सी टेस्टिंग है, कुछ भी नहीं, लेकिन ऑरा में समझ में आता है इतना लाल यहाँ पे आया है, लाल कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए मूलाधार चक्र में, अब लाल यहाँ पे आया तो फियर है ना, नींद में आती है, हाँ तो वो समझ में आता है ये ऑसिलेशन, ये चक्र स्लो घूमता है तो नींद नहीं आई, डिप्रेशन में जाते हैं, ये चक्र फास्ट घूमता है तो हम हाइपर हैं, जैसे आजकल के बच्चे इंडिगो चाहते हैं, ये चक्र बहुत फास्ट घूमते हैं, बैठ नहीं सकते एक जगह पे, दिन भर मोबाइल खेलते रहते हैं क्योंकि ये चक्र फास्ट घूम रहा है, उनका चक्र अगर आप ट्रैंक्विलाइज करोगे तो वो अपने जैसे शांति से बैठना सीख जाएंगे, है ना। बिकॉज 9 मंथ की प्रेगनेंसी में वुमेन में एंजाइटी थी तो बच्चे के चक्र हाइपर ऑसिलेट हो गए, वो कैसे बेचारा शांत बैठेगा, 9 मंथ में लगता है क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी, कैसे बड़े होंगे, पता नहीं कैसे एजुकेशन दे पाएंगे, वो लोग का क्या फ्यूचर होगा, तो ये एंजाइटी के वजह से बच्चों के ऑसिलेशन फास्ट हो गए। सो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, किसी को और कोई क्वेश्चन। तो ये हीलिंग हीलिंग कराना हो तो कहां हो सकता है, हीलिंग आप सीख सकते हो, रूबी जी हैं या दिल्ली में रहते, मैं तो बॉम्बे रहता हूं, हमारा सेंटर चला बॉम्बे में, आप कहां हो, बॉम्बे में बुलुड में, हमारे 24 सेंटर्स है बॉम्बे में अलग अलग, तो वहां और चेक